तो एक दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अग्नि प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के लिए बनेगा स्मार्ट सिटी। बीसीसीएल ने 81 अति खतरनाक क्षेत्र चिन्हित किया है। वहां रहने वाले 12,500 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट करना है। उन्हें सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और इस पर बीसीसीएल को काम करने के लिए अनुमति दे दी गई है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के विघटन का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीसीसीएल में कोयला खनन और डिस्पैच बहुत ही बेहतर, पिछले साल लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया गया है और इस साल की पहली तिमाही में भी लक्ष्य से आगे है। वर्तमान में यहां 24% उत्पादन ग्रोथ है। वर्तमान में कोल इंडिया ओपन कास्ट माइनिंग में ज्यादा ध्यान दे रही थी और अब फिर से अंडरग्राउंड माइनिंग की ओर जाने की तैयारी। We'll have 50 million tons of coking coal. As you know all well, आप सब जानते हो कि इस बार thermal coal पर total coal production in the country 1 billion ton होगा, that is 1,000 million ton. This is a record production. Last year भी हमारा production record production है 893 million ton.